आमिर खान और शाहरुख खान, जी हाँ, क्या कॉफी विद करण में नजर आएंगे ये दोनों? क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। काफी सारे उतार चढ़ाव के बाद कॉफी विद करण, जी हाँ, ये जो शो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है और इस शो को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं और साथ ही साथ ट्रोलिंग हुई है, बैशिंग हुई है। लेकिन ये सारी चीजों को पार करते हुए फिर से 7th सीजन आ चुका है और जो पहला एपिसोड है वो ऑनर भी हो गया है, जिसमें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह आए थे। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इस कहने फिल्म के प्रमोशन की भी अगर देखा जाए तो बातचीत हो गई थी। तो इन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी है, तो जिस वजह से इन दोनों को साथ में बुलाया गया और काफ़ी हंसी मजाक, काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हुई, तो एपिसोड अच्छा खासा चला। अब आपको बता दूं कि करण जौहर, जिन्होंने इंटरव्यूज दिया है, तो इंटरव्यूज के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ लाइनअप्स हैं इस शो को लेकर, तो उन्होंने कहा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ साथ साउथ के भी हमें अच्छे खासे फेस देखने को मिलेंगे इस शो में। फिर बात हुई खान्स की, क्या ये तीनों खान्स एक साथ क्या आ पाएंगे? तो उस पर करण जौहर का ये कहना है कि जो आमिर खान है वो तो डेफिनेटली आ रहे हैं इस शो में। फिर शाहरुख खान की बात कही तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान पठान के समय पर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो मीडिया से, हर चीज़ से दूर है और उनका जो ये डिसीजन है, मैं उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जब पठान आएगा तो डेफिनेटली वो आएंगे, तब शायद जो फैंस का जो एक सब्र है, जो प्यार है, वो उन्हें वापस मिलेगा शाहरुख खान को। और बॉक्स ऑफिस पर ये पठान फिल्म छप्पर फाड़ कमाई करेगी और जनता प्यार देगी अपना शाहरुख खान को, तो इस तरीके से उन्होंने बताया है। अब देखते हैं कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज हमें देखने को मिलते हैं। और खान्स की अगर बात की जाए तो आमिर खान आते हैं तो उनके साथ कौन आता है, और शाहरुख खान आते हैं तब क्या नज़ारा होगा, और सलमान खान। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस शो को लेकर। आप किन किन को देखना चाहते हैं, और स्पेशली क्या आप भी शाहरुख, सलमान और आमिर खान, इन तीनों को साथ में देखना चाहते हैं शो में? बता दीजिए अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में, और देखते रहे फीफा फूड्स इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।